السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد معز حضرين في الدنيا ما انسان كحالاته هميشه يكساني रहते کبھی اسے کوئی خوشی ہوتی ہے تو کبھی کوئی غم कभी तकलीफ़ तो कभी कोई आसानी और इंसान की आदत है कि जब उसे कोई ख़ुशी पहुँचे कोई अच्छी ख़बर पहुँचे तो मुस्कुरा देना हँसना ये उसकी एक फितरी बात है फितरी रद्द है और शरीयत में हँसना मुस्कुराना ये अच्छी बात है मुबाह अमल है जायज़ काम है इसमें कोई हर्ज नहीं है बल्कि शरीयत इस बात को एक अच्छा अमल एक सदका गर्दानती है जैसे नबी करीम सरतम ने फरमाया तबसुम वफी वजह अखी का सदक़ा कि जब तुम किसी से मुलाकात करो तुम उसको के मिलो, ये तुम्हारे हक में एक सदका शुमार होगा यानी जब कोई इंसान किसी से मिले तो अच्छे चेहरे के साथ मिले मुस्कुराते चेहरे के साथ मिले बिल्कुल अबूस चेहरा हो जिस पर कोई एक किस्म की कोई आ, तंगी हो नापसंदीदगी के आसार हों ऐसी हालत में इंसान को एक दूसरे से मिलना नहीं चाहिए बल्कि खुश और हाश बदशास चेहरे के साथ मिले मुस्कुराते चेहरे के साथ मिले क्योंकि मुस्कुराते चेहरे से मिलने से सामने वाले के दिल पे अच्छा असर पड़ता है उसे खुशी महसूस होती है और शरीयत में नेकियों में से एक बड़ी नेकी ये भी है कि आप किसी एक मुसलमान को खुश कर दो इतखालसरू رجل बराजमसलम कि किसी मुसलमान के खुशी का आप सबब बन जाओ यह आपके हक में बड़ी नेकी है और नबी करीम सरात वसलाम से मुतल عبد الله بن حارث بن الجز رضي الله عنه فرماتي مسلم احمد کی روایت ہے ما رايت احدا اكثر تبسما من, من رسول الله صلى الله عليه وسلم کہ میں نے کسی کو اتنا مسکراتے نہیں دیکھا جتنے میں نے نبی کریم علیہ والسلام کو مسکراتے دیکھا ہے ہمیشہ ہوئے اپ ملاقات کرتے مسکراتا ہوا اپ کا تھا اب سے قدم آگے بڑھ کر کے حسنا ये भी एक मशरू अमल है एक जायज़ अमल है लेकिन यही हंसी जब अपने हद से आगे निकल जाए बहुत ज्यादा होने लगे तो ये कोई अच्छी बात नहीं है बल्कि नबी करीम वसलाम की रिवायत में जो कि इमाम तिरमिदी ने रिवायत की है बयान किया है आपने फरमाया कि ला तुर जहक कि बहुत ज़्यादा हंसा मत करो बहुत ज्यादा हंसा मत करो क्योंकि बहुत ज्यादा हंसी ये दिलों को मार देती है दिलों के मौत का सबब बनती है वही अब्दुल्लाबारिसब्दुल्ज था रजी अल्लाह तु जिन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह के नबी से ज़्यादा मुस्कुराते किसी और को नहीं देखा वही कहते हैं माकान वाहक रसोल्ही वसलम तबसुमा अल्लाह के नबी की हंसी बस मुस्कुराहट हुआ करती थी आप मुस्कुरा देते थे ये आपकी हंसी थी तो इंसान ज़ोर ज़ोर से हंसे कह कहे लगा के हंसे बहुत ज़्यादा हंसे बार बार हंसे हंसने को अपनी आदत बनाए शरीयत इसको अच्छी निगाह से नहीं देखती بلکی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے احنف کو یہ نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا من كثر ضحكه قلت هيبته جو بہت زیادہ ہنسا کرتا ہے اس کا رعب ختم ہو جاتا ہے اس کا دب دبا ختم ہو جاتا ہے اس کا جو وقار ہوتا ہے وقار مجروح ہو جاتا ہے دوسروں کے سامنے اس کا ایک وقار باقی نہیں رہ جاتا تو مصل حضرین कसरत से हंसने से परहेज करें बहुत ज़्यादा हंसना कह कहे लगा के हंसना जोर जोर से हंसना शरीयत में ये अच्छी बात नहीं है इमाम गजाली एहदीन में लिखते हैं कि हंसी वो अच्छी है काबिल तारीफ है कि जिसमें सिर्फ आपके दांत दिखाई दें और जिसमें आवाज ना हो यह हंसी काबिल तारीफ है यह अच्छी हंसी कहलाती है अब इसके मुकाबले जोर जोर से बंदा हंसे कह कहे लगा के हंसे अगर के हंसना जायज है लेकिन यह अच्छी चीज नहीं है इसको कसरत से बंदा अपनी आदत बना ले तो यह उसके दिल की मौत का सबब बनता है दिल की मौत दो किस्म की होती है एक रूहानी मौत कि जिसमें अल्लाह का डर जिंदगी की हकीकत जन्नत की तलाश दोजक से बचने का जो एक जज्बा इंसान के अंदर होना चाहिए और अपने गुनाहों को सामने रखते हुए उस पर रोना अपनी कोताही पर रोना अपनी गलतियों पर अफसोस करना ये तमाम चीजें मुतासर होती हैं रूहानी तौर पर बंदे की कसरत से हंसी इंसान को मुतासर कर देती है तो कसरत से इंसान ना हंसे हंसने को बार बार हंसने को अपनी आदत न बनाए हाँ मुस्कुराना अच्छी चीज़ है मुस्कुराए कोई बात नहीं जैसे अल्लाह नबी बक़सरत मुस्कुराया करते थे मुस्कुराहट अच्छी चीज़ है लेकिन हंसना कह कह लगा करके हंसना ज़ोर ज़ोर से हंसना ये शरीयत में जायज़ नहीं है बल्कि शरीयत में एक ऐसा अमल है जो उसके दीन और दुनिया दोनों को नुकसान पहुँचाता है और जो आजकल की जो मेडिकल तहक़ीक हैं वो भी यही बात बताती हैं जैसे ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी से बात तहक़ीक़ के साथ बताई गई कि इंसान अगर बार बार हंसने को अपनी आदत बना ले तो इससे उसके दिल पर एक प्रेशर जमा होता है एक प्रेशर पैदा होता है बहुत ज़्यादा प्रेशर उसके दिल पे पैदा होने लगता है जिसकी वजह से बाज़ात अचानक उसका दिल हो सकता है कि काम करना बंद कर दे उसका दिल उससे मुतासर होता है ज़ोर ज़ोर की हंसी बार बार की हंसी ज़ोर जोर से हंसना इंसान के दिल को भी मुतासर करता है और क़ुरबान जाए नबी करीम सलातम पर कि अल्लाह के नबी आल सलाम ने जो लफ इस्तेमाल किया फ़ैन्ना कसर की तुम तोल्ब दिल का आपनेमाल किया तो दिल ही असल इंसान की जिंदगी के लिए है चाहे वह उसकी दुनियावी जिंदगी हो आखिरी जिंदगी हो आखिरत की जिंदगी हो उखरवी जिंदगी हो हर एतबार से जैसा नबी करीम सलासलाम तो ने फरमाया कि दिल सुधर जाए तो पूरा बदन सुधर जाए दिल बिगड़ जाए तो पूरा बदन बिगड़ जाए तो रूहानी तौर पर भी दिल मुर्दा हो जाता है और जिस्मानी तौर पर भी ये हंसियाँ ये कह कहे दिल को कमज़ोर कर देते हैं दिल की हरकत के बंद होने का एक सबब बन सकते हैं तो मस्जत हाजरीन नबी करीमलात तो वसलाम की जो तालीमात हैं कुरान और अहदीफ की जो तलीमत हैं इन तलीमत की पाबंदी करने की कोशिश करें अपनी ज़िंदगी की हकीक़त को समझें हाँ मुस्कुराना अच्छी चीज़ है हंसना अच्छी बात है दूसरों को खुश करना अच्छी चीज़ है मुस्कुरा कर किसी से मुलाकात करना एक सदका है लेकिन इसको कह में बदल देना आवाज़ के, के साथ हंसना आवाज़ के साथ हंसने को अपनी आदत बना लेना याद रखें यह या आपकी दुनिया आखिरत दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शर्य अहकाम और इस्लामी अखलाक़ की पाबंदी करने की तोफ़ी नसी फरमाए आमीन वसल वसलम नबीन महम्मद वाल वसाब अज़मान वालेक वरहल वबरक